ज़बरदस्त। साथ में छोटी छोटी कश्तियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये माहीगीरों की कश्तियाँ हैं। ये पहले एक जगह पे गए, वहाँ पे इनको शिकार नहीं मिला मछली का, अब ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो हम इनके साथ साथ हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है हमारी वो है फ़िशिंग के ऊपर, और इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, और हम यहाँ इब्राहिम हैदरी से हमने बोट की, और अब बोट के अंदर जो है हम जा रहे हैं खुले समंदर में, और वहाँ पर जो है किस तरह माहीगीर शिकार करते हैं वो आपको दिखाएँगे। चलें जी, तो हमारा बोट का सफ़र जो है वो अब यहाँ से उसका आगाज़ होगा, और किस तरह से बैठेंगे ये ज़रा देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये हमारी जो बोट है वो ये है जनाब, बड़ा सा बोट का जो है वो ये इन्होंने यहाँ पर ये बिछाया हुआ है सब, और इसके साथ ये। अच्छा जी, तो इस वक्त हम बैठ गए हैं अपनी बोट के अंदर, और अब यहाँ से जो है वो हमारे सफ़र का आगाज़ होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। ये इस वक्त इब्राहिम हैदरी की जेटी को हमने जो है वो खुदा हाफिज़ कह दिया है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये देख के तो मुझे जो है वो, चलें आगे चलते हैं और फिर देखते हैं, आपको मज़ीद भी दिखाएंगे। हमें जाना कहाँ है वो उधर जजीरा पे? हमें ये जो है ना जजीरा नज़र आ रहा है इस तरह। हाँ हाँ, इससे अंदर जाना है, कश्तियाँ आ रही हैं देख रहे हो? हाँ हाँ, दिल्ली में जाना है हमें। अच्छा यार, खा लें, कुछ भूख लग रही है। समंदर में हम मौजूद हैं, और समंदर में सफ़र हमारा जारी है। ये एक छोटा सा जजीरा आपको दिख रहा है, ये जजीरा है या खाली ये तेमर के दरख्त हैं? हाँ, ये दरख्त जजीरे हैं ये सारे, जजीरा के जैसे ये जजीरा ये भी जो है वो एक जजीरा है, और हमें जाना है वहाँ, हमें वहाँ जाना है जहाँ पे जो मछेरे हैं वो शिकार कर रहे हैं, और उसके साथ ये जो जजीरा है ये डॉग यानी कुत्ता जजीरा कहलाता है ये, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खूंखार कुत्ते हैं, तो यहाँ तक तो मतलब नामुमकिन है, हमें खुद मना कर रहे हैं कि जजीरे पे ना जाए, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टास्क है वो जजीरा नहीं है। हमारा जो टास्क है, जो हमारा एम है, जहाँ हमने जाना है शूट करना है, वो है माहीगीर। ये समंदर में जो कश्तियाँ दिख रही हैं ये वो माहीगीर हैं जो समंदर में मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो कौन कौन सी मछलियाँ समंदर में पकड़ी जाती हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, ये आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा और दूर है लेकिन ये जजीरा कुछ करीब आ गया है। तो हमें अभी तकरीबन बैठे हुए आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, फिलहाल सफ़र जो है वो जारी है। हम तकरीबन करीब करीब से पहुंच गए हैं जहाँ हमें जाना है, ये मुकाम है हमारा। अच्छा जी, तो ये इस वक्त हमें मिली हैं माहीगीरों की कश्तियाँ, और जनाब ये इस वक्त माहीगीरों की कश्तियाँ हैं जो यहाँ पर जाल डाल के शिकार कर रहे हैं, यहाँ से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो इनके पास चलते हैं। अच्छा जी, ये समंदर में जाल डाल रहे हैं, और इन्होंने जाल डाला हुआ है, ये जाल डाल रहे हैं, चलते हैं इनके पास देखते हैं। ये शिपिंग का जहाज़ है और शायद जा रहा है कहीं, साथ में छोटी छोटी कश्तियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये माहीगीरों की कश्तियाँ हैं। ये पहले एक जगह पे गए, वहाँ पे इनको शिकार नहीं मिला मछली का, अब ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो हम इनके साथ साथ हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, और
जो हमारा मेन एम मकसद है, तो इनको दिखाना है किस तरह से करते हैं। आप तो दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ जाल डालेंगे और वहाँ से फिर मछली शिकार करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो जहाज़ दिख रहा है ये सिंगापुर का जहाज़ है, जो माल बरदार जहाज़ है ये, जो आप पोर्ट कासिम की तरफ जा रहे हैं। ये जो माही गिर रहे हैं इस जगह पे रुके हैं जाके मछेरे, और अब वहाँ पे शायद जाल डालेंगे। ये मुनासिब कोई जगह देख रहे हैं। खड़े हो गए इसलिए कि पानी वानी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ना, फिर जाली लगाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे और इस वक्त हमें ये माहीगीर हुई कश्ती मिली है, तो अब यहाँ रुके हैं ये, ताकि ये फिर उसके अंदर जाल वगैरह डालेंगे। तो हमारे जो साथी हैं वो जाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे परमिशन लेंगे। अच्छा जी, तो अब ये हम पहुँच गए और हमारे साथ ये कश्ती है, ये तमाम जो है वो मछेरे हैं और इन्होंने अभी कुछ मछलियाँ भी पकड़ी हुई हैं ये इस कश्ती में, लेकिन और मछलियाँ पकड़ेंगे। तो किस तरह से हैं, क्या है, आपको दिखाते हैं तरीका। जी, तो ये हमारी कश्ती जो है ये दूसरी कश्ती के साथ बांध कर और फिर ये स्टे करेंगे इधर, ताकि हमारी कश्ती जो है वो एक ही जगह पर खड़ी रहे और फिर जो है वो ये दूसरी कश्ती के ज़रिए जाल वाल डाल के और फिर इसको जो है यहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे। तमाम जाल वगैरह बना रहे हैं, फिर उसके बाद वो जाल पहले ये देख रहे हैं कि मछलियां जो है वो कहां पर हैं, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से जाल फेंका जाएगा, फिर उस जाल से ये मछलियां पकड़ेंगे। जाल फेंका जा रहा है समंदर के अंदर। अब ये अभी जो है जाल डाला है समंदर के अंदर, ये देखा, ये 10-15 मिनट के बाद हमने उठाया, 10-15 मिनट के बाद ही उठाएंगे। ये है, और इस रस्सी को जो है वो यहाँ से बांधा हुआ है, इन्होंने एक रस्सी का एक सिरा यहाँ से बांधा है और ये यहाँ से इसको हाथ से पकड़ा हुआ है इन्होंने, और इसके साथ बाकी जो जाल है वो अंदर है। ये कह रहे हैं आधे एक घंटे तक ये जाल पानी में रहता है, फिर उसका जब उनको एहसास होता है कि इसमें मछलियाँ फंस गई हैं, फिर जाल को खींचा जाता है। ये क्या है, ये किस लिए रखी होती है? कचरा।
चारा बनता है, चूजों का चारा। चूजों का चारा बनता है, फीड बनती है। फीड बनती है। अच्छा अच्छा जनाब, ये जो है इसमें फीड बनती है और फिर ये यहाँ पे इन जो परिंदे हैं उनको भी डाल रहे हैं, तो ये परिंदों की खुराक भी होती है। बाकी का क्रू जो है वो यहाँ बैठा है। अच्छा, इसका एक सिरा इनके पास है और जाल का दूसरा सिरा वो दूसरी कश्ती में। अच्छा, इसका एक सिरा उस दूसरी कश्ती के अंदर है, इसका एक सिरा वो दूसरी कश्ती में। तो ये दो कश्तियों के जरिए जो है ये मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। कहाँ पर आते हैं? हम आते हैं 8 बजे आए हैं, अभी शाम को 7 बजे जाएंगे। अभी जितना भी नसीब में होगा वो मिल जाते हैं। अच्छा, ये किस तरह पकड़ते हैं आप, क्या तरीका है मछली पकड़ने का? मछली अभी हमने आपको दिखाया ना, अब हमने जाल तो फेंका है, अब इसको 15 मिनट के बाद हम इसको चढ़ाएंगे। ये हमने मेरे ख्याल में 7-8 दफ़ा जाल लगा चुके हैं, मछली थोड़ी बहुत पकड़ी है, अभी रखी है। अभी हमारा जो टाइम है वो 7 बजे तक टाइम है। हाँ, अभी जितना भी मिलेगा हम 7 बजे चले जाएंगे। अच्छा जी, ये अब जो जाल डाला था उस जाल को खींच रहे हैं। ये देखें, ये जनाब इसको खींच रहे हैं जाल को। ये जाल जो है कहाँ कहाँ झोला रखो, झोला। ये देखें जनाब, ये सांप भी आ गया काफ़ी बड़ा इसमें।